हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक बार फिर से आपका बेच खजाना यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं एक डिफरेंट अंदाज में भिंडी यानी ओकिरा की सब्जी। इसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ मुलायम भिंडी जिनका आकार भी छोटा है, इनको इस तरीके से काट लिया है और काटकर इसमें 2 चम्मच दही को ऐड कर दिया। दही की मात्रा हमारी भिंडियों की मात्रा पर निर्भर करेगी। अगर भिंडी की मात्रा ज़्यादा हो तो आप थोड़ा ज़्यादा दही लें। और यहीं पर हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, कुछ सौंफ के दाने क्रश करके और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला। इन सबको मिलाने के बाद 1 प्याज लंबी स्लाइस के आकार में कटी हुई ही और 2 से 3 हरी मिर्च यहाँ पर हम इन भिंडियों में मिला देंगे और अच्छे से इस मसाले को भिंडियों के साथ मिक्स कर देंगे ताकि हमारा जो दही और मसाले हैं वो भिंडियों पर अच्छी तरीके से इस प्रकार से लग जाएं। अब इंडक्शन पर मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अपने खाने की रुचि के अनुसार आप ले सकते हैं। और जब मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने इसमें राई, जीरा और कड़ी पत्ते का तड़का यहाँ पर लगा दिया है। जब राई जीरा हमारा अच्छे से चटक जाएगा तो हम अपना भिंडियों का जो मिक्सचर हमने बना कर रखा है उसको कढ़ाई में डालकर मीडियम टेम्परेचर पर 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। पर यहाँ पर ये ध्यान रहे दोस्तों कि हमारी जो भिंडी हैं वो नरम, मुलायम और छोटी हों ताकि इनको पकने में ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि इस रेसिपी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। और इस तरीके से बस कुछ ही मिनटों में हमारी इंस्टेंट भिंडी की मज़ेदार तीखी और खट्टी नर्म और मुलायम भिंडी की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।